मध्य प्रदेश के दतिया जिला में छोटो सो विवाद 5 हत्याओं को कारण बन गयो। गाय चरावे को लेकर दो पक्षन में विवाद भाव। इतने खेत पे प्रकाश दांगी और प्रीतम पाल के बीच अंधाधुंध फायरिंग हो गई। ये गोलीबारी में प्रकाश दांगी, राम नरेश दांगी, सुरेंद्र दांगी, राजेंद्र पाल और राघवेंद्र पाल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि लगभग 12 लोगों के घायल होवे की खबर है। दो ही गुटों में 3 दिन पहले भी विवाद भाव तो इसके बाद दो ही लोगों ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराओ तो। लेकिन आज फिर दतिया के रेंडा गांव में खेत में मवेशी घुसवे को लेकर जब फायरिंग भई दो ही पक्षों में, इनमें एक पक्ष के 2 लोग और एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लाने भेज दो है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बने हैं। नाली भाई वो लाते रखने वाली खेती है तो बिना गंजा मैंने भगाई नहीं अपने खेत में से, तो दूसरी पार्टी का आने हमारे खेत में गंजा कर दी। बिना गंजा हमने कहा नहर पे चला दी, नहर रहती नहर पे चला दी, बिल्लुगन ने मारे, बिल्लुगन ने मारे, बैठना था लड़ाई चल रही। आज भी लोग बंदूक बंदूक गंजा भी वो चले गए, हम लोग कहा गाय मई थी, गाय में थी 2-3 दिन हमें वो तैरती, बिना ये मारे वो तो चले गए देख भी बिना सीधी हमारा गैस होने बंदूक चलाई सीधी दोनों तरफ से वानीपुर की रास्ता से। अच्छा हाँ, कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? घायल तो 20-25 आदमी बता रहे हैं आपकी तरफ से। और किस को गोली लगी आपके यहाँ? मुकेश को लगी, ठाकुर दास को, राघविंद को और ज्ञान को। आपके पक्ष से? हमारी पार्टी से। मौत भी हुई किसी की? मौत भी हुई क्या किसी की? हाँ, दो चले गए हमारे, राघविंद राजन, 2 लोगों की मौत। हाँ, गोली लगने से। कौन से समाज के लोग थे जिनसे लड़ाई हुई आपकी? इनके पहले भी यही तरीके का हत्याकांड मुरैना जिला में बहुत, और एक बार फिर से वो हत्याकांड की यादें ताजा हो गई हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।